नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संघर्ष न्यूज लाइव में। देख सकते हैं हमारे सामने इस समय बारिश अच्छी खासी हो रही है और बरसात की वजह से एक जगह रुक गए और दो भैया लोग मिल गए और ये मोदी जी के भक्त हैं हमको लग रहा है, इसलिए सोचे कि अभी देख रहे हैं काफ़ी यूपी में चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, तो मोदी भक्त हैं भैया। क्या भैया क्या नाम पड़ेगा आपको? राम अवतार राजभर। राजभर जी? अरे भैया तब तो मोदी जी के प्रिय भक्त होंगे। जी नहीं। हाँ लग रहा है? लग नहीं रहा है सर, क्या है ना ये गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। अच्छा। इसलिए इसको कभी कभी लगा लेते हैं, लेकिन हम प्रकाश राजभर जी का भक्त हैं। अरे उनकी तो पार्टी टूट गई, टूट बिखर गई। बिखर गई लेकिन जुटेगी ना? कैसे जुटेगी? फिर जुटाएंगे, हम लोग जुटाएंगे ना। वो तो कह रहे हैं कि सब पैसा लेके सिर्फ टिकट बेचने। नहीं नहीं सब गलत बात है, हम लोग सब मिल करके एक साथ फिर अपना जो है कि ओम प्रकाश राजभर जी को फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। वैसे आपके जितने नेता थे वो लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, देख रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए ना। तो कैसे आगे संघर्ष करेंगे आप लोग? संघर्ष करेंगे सब लोग, फिर हम लोग मिल जाएंगे। क्या समाज के लिए किए हो? के हम? हाँ राजभर समाज के लिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया? बहुत बढ़िया किए। क्या बढ़िया किए? कुछ पाए नहीं तो किए करेंगे क्या? कुछ पाए नहीं? पाए जी नहीं, कुछ मिला ही नहीं है उनको। अरे कुछ दिन मंत्री थे, इस समय देखेंगे विधायक हैं जौराबाद से, तमाम तो उनको पद मिला है। मिला है ना, जहाँ इस बार वो अपना सरकार बना लेते, अखिलेश के संग जब गठबंधन हुआ था तो सरकार बन जाती, लेकिन हमारा जो है कि हम लोग मिल करके अपना जहाँ जहाँ वो क्या बोलते हैं जहाँ जहाँ मतलब टिकट मिला था हम लोग सब जिता दिए उनको। इस बार जो है तो फिर तो देख रहे हैं अखिलेश को भी छोड़ के भाग गए। वो तो लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी में, सिर्फ उनका वही काम है, भाजपा में थे, सपा में थे, अब कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे नहीं। हो फिर वो जहाँ रहेंगे मतलब वो कहीं भी रहें हम लोग उनके साथ हैं बस। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से कभी चर्चा वर्चा हो रही है? जी क्या हो रही है चर्चा? वो अभी हमारे गाँव के करदोना के इंदल भैया हैं, अच्छा खासे मतलब साथ में रहते हैं उनके, अरविंद जी के उनके बच्चे के जो, और एक हमारे गांव से शम सुंदर राजभर जी हैं, इन हम लोग भी उनसे बात। पहले तो ये लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तमाम बड़े बड़े लोग इसमें दिखाई दे रहे थे पार्टी में, अब क्यों गांव में जाना पड़ रहा है? नहीं अभी रैली करेंगे, फिर हलदलपुर रैली हुआ था ना, अब देखे उसमें कितना भीड़ था, फिर कहीं रैली होगा फिर देख लीजिएगा कि अगर एक राजभर मतलब बिरादर क्या करेगा उनके लिए। बस जुटाएंगे, गठबंधन करेंगे, फिर तोड़ेंगे? तोड़ेंगे नहीं हम लोग ना, तोड़ेंगे। राजभर जी ने तोड़ा? राजभर जी नहीं तोड़ा, ये बस अभी खुलासा नहीं हुआ है। प्रकाश राजभर और अखिलेश का गठबंधन टूट गया? ओम प्रकाश राजभर अखिलेश वो टूटा नहीं है, अभी लोग समझ रहे हैं कि टूटा, वो टूटा नहीं है। फिर आप देखिए इसमें, हाँ इसमें राजनीति है। अच्छा। हाँ राजनीति से इसमें सबसे बड़ा कर रहा है? सबसे बड़ा राजनीति है कि मतलब ओम प्रकाश राजभर जी है जो बस राजभरों के पीछे भागते हैं, इनको भी मतलब हम कहेंगे कि इनके में थोड़ा गलती है, इनको मतलब जहाँ पद मिलता है वहाँ रहते नहीं है, चाहे मोदी जी भी पद दिए थे तो जब पद दिए थे तो राजभर को मतलब इनको कहना सही था, कुछ राजभरों को भी नौकरी मतलब मिलना चाहिए, गलत बात तो है नहीं, लेकिन जब वो नहीं दिए तो वहाँ से वो वापस आ गए यहाँ अगले से जो गठबंधन किए। फिर जब ये चुनाव हुआ निरहुआ वाला, निरहुआ भैया के साथ वाला, तो उसमें जो धर्मेंद्र कोई मतलब ऐसे अखिलेश भैया के पार्टी से खड़ा हुआ था, जब उसमें प्रचार करने नहीं आए थे तो थोड़ा मतलब हटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हटेंगे नहीं। ये एक भैया और हैं, और भैया देख रहे हैं बारिश वारिश हो रही है, बहुत बहुत तेज बारिश है, दो तीन दिन से बारिश लगातार है, अच्छी खासी बारिश हो, बहुत बहुत ज्यादा बारिश है। ये बताइए ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या इस समय चर्चा चल रही है? आप लोग राजभर समाज से हैं और इस समय लोग कह रहे हैं कि उनकी पार्टी टूट कर बिखर गई। देखिए मान सम्मान की बात है, पार्टी में चार जन जाएंगे छः जन आएंगे ऐसा है नहीं, और जितने भी लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। और चार जन जैसे कि वो लोग भी थे, महेंद्र राजभर भी टूटे, साथ साथ में 30 और कार्यकर्ता टूटे हैं, लेकिन 30 जाएंगे 100 आएंगे ऐसा है पार्टी में नियत। तो कैसे आपके समाज के अगर इतने बड़े बड़े नेता अगर टूट कर बिखर जाएंगे तो कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए बड़े नेता कहने से नहीं होते हैं, महेंद्र राजभर को 4 साल पहले 5 साल पहले वो खुद नेता बनाए और अपने पार्टी से लेकर आगे बढ़े हैं, और महेंद्र राजभर अपने आप को बहुत बड़ा नेता बता दें ओम प्रकाश से टक्कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओम प्रकाश राजभर कभी भी उनसे आगे हैं और
भविष्य में भी आगे रहेंगे। अच्छा, क्या राजभर समाज के लिए क्या कुछ किए कि आप लोग इतना उनके प्रति लगाव रहता है? देखिए, राजभर समाज के लिए नहीं और पिछड़े जात के लिए बोली बोलते हैं, जो भी है उनका कार्यवाह कोई भी चीज़ करते हैं तो पिछड़े समाज के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। बस यही चीज़ हमको अच्छा लगता है कि पिछड़े का बात उठाते हैं सदन से लेकर सड़क तक, और पिछड़ों का बात हमेशा वो करते रहते हैं। बाकी उनको कोई ऐसा कुछ है नहीं, चाहे अच्छा, कोई भी जनता वाला। आपकी बात सही है, लेकिन ये बताइए कि कभी पिछड़े समाज या वैसे लोगों को टिकट जब देने की बात आती है तो ये बताइए कि आप खुद एक राजभर समाज से किसी राजभर के बेटे को भी वो टिकट दे सकते थे या किसी अन्य पिछड़े जात, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि ये लोग बताते हैं कि वो सिर्फ पैसे पे टिकट बेच रहे हैं? जिस एरिया में जिस आदमी का जो ज़्यादा प्रचलन रहता है, ज़्यादा उसका सोर्स और ये रहता है, उसको जानने पहचाने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। पार्टी कभी भी उसी को चाहेगी कि वो जीते, वो खड़ा रहे हमारे सिंबल से। कोई नहीं चाहता कि हमारा प्रत्याशी किसी जगह से हार जाए। जिसका वहाँ पे मनोबल रहेगा, जनता जिसको जानती है, उसका वर्चस्व रहेगा जिस एरिया में, उसी को पार्टी टिकट देती है। क्या लगता है कि आज भी वो अब्बास अंसारी को इसीलिए टिकट दे दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब्बास अंसारी का जो टिकट है वो तो ठीक है, उनका एक कन्फर्म ही पार्टी था। वो ऐसा नहीं था कि वो किसी और को देते, वो उनका फिक्स हो गया था उनका कि अब्बास अंसारी को उनसे टिकट लड़ाना है मऊ सदर से। कोई गरीब का बेटा भी तो अब्बास अंसारी के जगह पे आ सकता था, कोई बहुत तमाम कार्यकर्ता थे, आखिर वैसे ही प्रत्याशी को क्यों ओम प्रकाश राज ने चुना? उसमें क्या है उनका कि पार्टी तो जो भी है, जो कार्यकर्ता है जो साथ देगा उसका वो लोग काम करता है पार्टी वाला। तो पैसे वाला जो आज तक उम्मीद है उन लोग का कि पैसे लेकर के। अब्बास अंसारी कभी सुहेल देव पार्टी के लिए कितना क्या किए इसके पहले चले हैं तो बताएं? पहले तो नहीं था उनका, पहले से इस पार्टी में तो ज्वाइंट नहीं है, पहले उनका अलग ही पार्टी है। अब बताइए, कोई आता है तुरंत आपकी पार्टी दे देती है कि ऐसे पार्टी का नीति? कितना आप लोगों को ये सब अच्छा लगता है? नहीं, ये सब तो ठीक है, उनका अच्छा तो नहीं लगता है। कोई भी चाहेगा कि पिछड़े समाज से हैं, वो भी पिछड़े समाज से ही हुए हैं, मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पार्टी है। तो हम लोग भी सपोर्ट किए थे सदर विधानसभा से, उनके क्षेत्र में गए थे हम लोग भी घूमने, तो हमको अच्छा लगा उनका भी बात व्यवहार हर एक चीज़। तो लोग बोले कि नहीं ठीक है कि अब्बास अंसारी को वोट करना है, इनको सपोर्ट करना है, तो हम लोग भी साथ खड़े थे। अच्छा, ये बताइए कि 30 साल हो गए उनके पिताजी थे, इसके पहले 25 साल विधायक, और इस बार खुद अब्बास अंसारी विधायक हैं। जब से देखा जा रहा है कि हमारे सांसद विधायक सारे लोग सिर्फ जेल में रहेंगे तो विकास कैसे होगा, कहाँ तक ये? नहीं, पहले तो थे जेल में, लेकिन अभी नहीं है ना, उनके पिताजी नहीं है विधायक जी अभी। हाँ? उनका तो अलग चल रहा है, अब्बास अंसारी हैं अभी, थोड़ा उनके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा या कुछ भी लगा है, उसका जांच चल रही है, आएंगे वापिस अपना कार्य संभालेंगे। अगर यहाँ की जनता चुनती रही तो कितना विकास होगा बताइए? हाँ, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी ने उनको ऐसा टिकट देकर सही किया या गलत किया? इससे पहले तो बीजेपी ने, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, उस पर जब विपक्ष पार्टी जो है ना, कोई भी पक्ष वाला आदमी अगर कोई भी जगह पर रहता है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ उंगली उठाया जाता है। जो भी बीजेपी से अलग है, जो भी अदर पार्टियाँ हैं, उस पर जरूर कुछ ना कुछ ऑप्शन लगता है। इनका ही नहीं, आप बहुत जगह देख लीजिए, ऐसा ही हाल है। जो भी दूसरे पार्टी से कोई विधायक जीत रहा है, कोई खड़ा है या कोई सम्मान व्यक्ति, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगता है। देखिए, अब्बास अंसारी राजभर भी ठीक हैं हमारे लिए, बहुत राजभर समाज के लिए अब्बास अंसारी भी ठीक हैं। कालतीन का पहले कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी भी ठीक हैं, कैसे क्यों ठीक हैं ये बताएंगे? जी, इसलिए ठीक हैं, हम लोग मतलब कुछ मतलब उनसे ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है, ठीक, लेकिन इसलिए वो ठीक हैं। कभी हम मिले नहीं, मतलब इसे ही मतलब कभी हम देखे हैं मीडिया वालों के सामने, मतलब बात करते हुए फेस टू फेस मोबाइल में, उनकी बातें बहुत अच्छी है। और जब तक ये सरकार रहेगी बीजेपी जी का, तब तक तो हमेशा जितना मतलब जय सुहलदेव चाहे पार्टी मतलब हो, अखिलेश का पार्टी हो, ये सब जेल में रहेंगे। भैया ये बताइए, जबरदस्ती किया जा रहा है ना? हाँ। बातें अच्छी हो और धरातल पे काम न हो, ये कितना अच्छा। हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए, हमारे गांव का उतना दूर से मऊ और दुनिया का बात छोड़िए, गांव का बात देख लीजिए। गाँव चाहे प्रधान हो चाहे मतलब कोई, हम लोग जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रहते हैं। बीजेपी आज ओम प्रकाश राजभर निकल के किसी पार्टी में जाएंगे तो हम उसी के साथ चले जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से ओम प्रकाश को लेकर राजभर समाज के जो युवा थे
क्या कुछ कहे। आगे अन्य भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट।